नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबात टाइम। दिल्ली में दलित समाज की 9 वर्षीय बालिका के साथ शमशान के पुजारी के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर साक्ष्य मिटाने के लिए जला दिया गया सब, जिसके पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज दीवानी चौराहे पर, भारत माता प्रतिमा पर मिशन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उठाई गई मांग। आप देख रहे हैं संवाददाता कपिल चौरसिया। मेरा नाम दीपक बाबू एडवोकेट है और मैं मिशन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। आज ये भारत माता की आज हम भारत माता की जो प्रतिमा है दीवानी कचहरी आगरा पर, आज हम इस पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आपने 1 अगस्त 2021 वाला मामला देखा होगा, दिल्ली में जो 9 वर्षीय बच्ची थी जो शमशान पर पानी लेने गई थी और वो लौट कर नहीं आई, वहाँ पुजारी ने उसके साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी करके उसको जला दिया। उसके पैर ही पैर बच पाए थे, जो पेपर में भी आया है। और वहाँ जो पुलिस प्रशासन था दिल्ली का, उन्होंने उसके लिए माता पिता से तहरीर बदलवाते हुए कि करंट लगने से मौत हुई है। और इस तरीके से हमारी केंद्र सरकार द्वारा जो पुलिस है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, पीड़ितों पर किसी न किसी दबाव बनाकर अपने मामले पर लीपापोती करती है। हमारी ये मांग है और ये मांग हमारी आगे भी रहेगी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमारी मांग ही यही है कि उसकी जांच पुलिस से ना कराई जाए और सीबीआई से जांच कराई जाए, है ना। और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों में जल्दी सुनवाई हो और मामला पॉस्को एक्ट के अंतर्गत भी दर्ज होना चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। हम इस मामले में के पक्ष में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी जैसा कि दीपक जी ने बताया कि 9 वर्षीय बच्ची का रेप हुआ, फिर उसको जला दिया गया। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी अपराधी है, चाहे वह किसी भी समाज का हो, सख्त से सख्त सजा मिले कानून द्वारा, कोर्ट द्वारा। और जिस सुनवाई का फास्ट ट्रैक क्या उसे भी अगर अच्छा कोई भी प्लान बना सकती है कमेटी, कोर्ट कमेटी, जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा हो, फांसी से भी बदतर कोई अगर सजा हो तो उसे दिलवाई जाए, ताकि वह दूसरे लोगों को संदेश जाए कि ये दुष्कर्म करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए और सबको ये सबक मिले। हमारा यही उद्देश्य है, लड़की की आत्मा को शांति मिले, उसे जल्द से जल्द उसके हत्यारा जो भी है जल्द से जल्द उसको सजा मिल जाए। थैंक यू। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।